से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक ऑर्डर जारी किया है, दिल्ली में बिजली पानी और बस यात्रा सब्सिडी जारी रहेगी। किसी व्यक्ति के जेल में रहने से सरकारी योजनाओं पर असर नहीं पड़ेगा, कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी। निहित स्वार्थों और अफवाहों वाले बयानों को खारिज करना चाहिए, ये LG विनय कुमार सक्सेना का कहना है। योजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित बजट का हिस्सा हैं। उपराज्यपाल किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं, ये भी उन्होंने कहा। आपको बता दें कि इससे पहले सब्सिडी को लेकर लगातार सियासी शोर दिल्ली में होता रहा है और मौजूदा वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में जेल में हैं। और ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में बकायदा ये कहा गया कि बिजली पानी बस यात्रा में जो सब्सिडी पहले से मिलती है वो मिलती रहेगी, सरकारी योजनाओं पर असर इसका नहीं पड़ेगा, कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी। अफवाहों वाले बयानों को खारिज करना चाहिए, LG ने साफ ये कह दिया। योजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित होती हैं, बजट उसके लिए बकायदा लाया जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जारी किया ऑर्डर। देवेश कुमार जुड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी उनसे जरा जानकारी लेते हैं। देवेश, दिल्ली में सब्सिडी को लेकर और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद तमाम तरह के कयास और तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे या फैल रहे थे, उन पर विराम लगाया है उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस आदेश के जरिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जेल में है क्योंकि शराब नीति मामले के उन पर आरोप है घोटाला करने के, तो इसी को लेकर वो जेल में। ऐसे में अफवाहें ये चल रही थी कि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है, फ्री बिजली पानी मुफ्त बस यात्रा, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, इस तरह की जो अफवाहें थी वो लगातार चल रही थी। ऐसे में अब दिल्ली के जो LG हैं VK सक्सेना, उन्होंने लोगों को, दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया है कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो सब्सिडी योजनाएं हैं वो पूरी तरह से चलती रहेंगी। इसमें कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति के जेल जाने से सरकारी योजनाओं पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, यानी कि जो सब्सिडी जैसे कि बिजली 200 यूनिट तक फ्री है वो फ्री चलती रहेगी, बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री है वो फ्री रहेगी, पानी जो फ्री है वो फ्री रहेगी, यानी जो भी योजनाएं थी वो जैसे पहले चलती रही हैं ऐसे भी आगे ही चलती रहेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लोग इन अफवाहों में ना आए, जो योजनाएं हैं वो ऐसे ही आगे चलती रहेगी। और इसकी बाकायदा एक जो प्रेस रिलीज है वो LG VK सक्सेना ने जारी की है, जिससे कि लोगों के अंदर जो भ्रम है वो खत्म हो जाए, यानी कि जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से चलती रहेगी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन ये खबर इतनी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सियासी शोर भी इस पर लगातार होता रहा है। आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको खत्म करने, उनको बंद करने की साजिश सियासी तौर पर हो रही है और BJP पर इसका आरोप लगाया, केंद्र सरकार पर इसका आरोप लगाया है।